जय माता दी। सारथी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि माता कहाँ से आई हैं, किस सवारी पे आई हैं और उनको खुश रखने के लिए हम क्या करेंगे। ऐसी कहानी प्रचलित है कि जो माता रानी है वो कैलाश पर्वत से आती हैं हर साल शारदीय नवरात्रों में, और वो किस पे आती हैं उससे हम पूरे साल का अनुमान लगाते हैं। तो इस बार माता रानी अश्व पे आ रही हैं। अश्व मतलब घोड़ा। तो आपने देखा होगा जो घोड़े होते हैं वो वॉर का और युद्ध का प्रतीक होते हैं। ऐसा बोला जाता है कि शनिवार को जब नवरात्रे शुरू होते हैं तो वो शुभ नहीं होते, और जब माता रानी जाएंगी मतलब और दशमी एक ही दिन पड़ रही है 25 तारीख को, तो वो भैंसे पे जाएंगी। भैंसा मतलब महिषासुर। तो बोला जाता है कि बहुत पीड़ा मिलती है, दुख मिलते हैं, युद्ध होते हैं और डेथ्स बहुत होती हैं, ऐसा बोलते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम माता रानी से प्रार्थना करें और बोलें कि हमारा ये वर्ष जो है वो बहुत अच्छा जाए, और जो हम जिस दौर में से हम सब निकल रहे हैं, पूरी दुनिया जो निकल रही है, उससे हमें शांति मिले। तो मैं दो रेमेडीज़ आपको बहुत इम्पोर्टेंट बताने वाली हूँ। एक वास्तु के अकॉर्डिंग है और दूसरी माता रानी को खुश करने के लिए है। पहली रेमेडी, आप कोई भी कॉइन ले लीजिए। आप इंडिया में हैं तो इंडिया का कॉइन लीजिए, आप किसी भी कंट्री में हैं उसका कॉइन ले लीजिए, और उस कॉइन को आप अपने गमले में दबा दीजिए, गार्डन में दबा दीजिए, या घर से कहीं दूर। इंडिया में तो आप घर से कहीं दूर भी दबा सकते हैं, लेकिन अगर आप अब्रॉड में हैं तो थोड़ी आपको मुश्किल हो सकती है। तो आप अपने गार्डन में या किसी गमले में उस कॉइन को दबा दीजिए और 9 दिन तक उसको दबा रहने दीजिए। 9वें दिन आप नहा धो के सुबह पूजा वगैरह करके उस कॉइन को निकाल लीजिए और उसको माता रानी के सामने रख दीजिए और प्रार्थना करिए। आपकी जो भी विश है, आप जो भी मांगना चाहते हैं, आप प्रार्थना करिए। आपको कोई परेशानी है, दुख है, कोई बीमारी है तो आप प्रार्थना करिए। और काऊ घी का दीपक आप जलाइए। अगर अखंड जोत जल रही है तो फिर आप वहीं रख दीजिए, नहीं तो आप काऊ घी का दीपक जला के फिर माता रानी से प्रार्थना कीजिए। और फिर आप अपने घर के अंदर खड़े हो जाइए, मतलब कि आप अपने गेट पे खड़े हो जाइए, आपका फेस आपके घर के अंदर होना चाहिए, और फिर उस कॉइन को उछाल दीजिए। वो कॉइन आपके पीछे गिरेगा, कहाँ गिरेगा आपको नहीं देखना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जितनी भी आपकी मुसीबतें होंगी वो कॉइन अपने साथ ले जाएगा। तो आपको कॉइन को नहीं मुड़ के देखना है, उसे ढूंढना भी नहीं है। आपने ये नहीं देखना है कि ढूंढ के कहाँ गिरा कहाँ नहीं गिरा, कुछ नहीं करना, उसे भूल जाइए। दूसरा जो उपाय बताने जा रही हूँ वो वास्तु के अकॉर्डिंग है। आपको पता ही होगा जो राहु होता है, जब भी हम राहु को शांत करने की बात करते हैं तो हम दुर्गा पूजा बताते हैं कि दुर्गा की पूजा कीजिए, है ना। तो ये नवरात्रि जो है ये तो बहुत बेनिफिट उठाने के लिए है, जिनकी राहु की महादशा चल रही है, जिनको प्रॉब्लम चल रही है, इवन जिनको कैंसर है, जिनको रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, ये सब राहु ही देता है, आप सब जानते ही है ना। तो आप क्या कीजिए, आप अपने साउथ वेस्ट में, अगर साउथ वेस्ट आपको निकालना नहीं आता तो आप अपने मोबाइल में कंपास जो है वो डाउनलोड कीजिए और घर के सेंटर में खड़े हो जाइए, जहां पे भी साउथ वेस्ट की डायरेक्शन आती है वहां पे आप अपने साउथ वेस्ट में येलो कलर का मैट बिछा दीजिए, और वहां पे मिट्टी के दिए में, मिट्टी का दिया नहीं हो तो आप ब्रास का दिया ले सकते हैं, आप उसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दीजिए और उसमें 2 लौंग फ्लावर वाले वो डालिए, और जो बाती है वो आप मोली की बनाइए, जो कलावा होता है ना हाथ पे बांधने वाला, वो मोली की बनाइए और उसमें आप दक्षिण की तरफ फेस करके, मतलब जो बाती का जो मुंह है वो दक्षिण की तरफ होना चाहिए, और उसको इवनिंग में सनसेट के बाद उसे जला दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर में सुख शांति हो। आप ऐसा रोज भी कर सकते हैं, लेकिन आपने 3 दिन या 5 दिन तो जरूर करना है। ये 2 रेमेडीज कीजिए, देखिए फिर माता रानी आपके घर में कितनी सुख शांति लेके आएंगी। आपका ये पूरा वर्ष टेंशन फ्री जाएगा, फाइनेंशियली बहुत अच्छी ग्रोथ होगी आपकी। अभी सबको बहुत टेंशन चल रही है, मुझे विश्वास है कि ये सभी टेंशन से आप निजात पाएंगे। मैं बहुत जल्दी बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज लेके आपके सामने फिर आती हूँ। जय माता दी।